गरमाला खानदान आपके नीचे आएगा या मतलब मुकाबला? जिताना साहब तो आपके साथ होंगे, लेकिन मतलूब मेहंदी साहब भी आपके साथ देंगे? दोनों NA-61 के उम्मीदवार हैं, अपनी इंतहाबी मुहिम के हवाले से कितने मुतमिन है? मुस्लिम लीग नून काफी दड़ों में तकसीम नजर आती है, आपने नीचे MPM का उम्मीदवार किसे देखते हैं? PTI के मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां की जा रही है। हर इब्तदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। नाजरीन, मैं मिर्ज़ा कफील बे कैफ़ी आज शहीन डार साहब के घर में मौजूद हूँ। मेरे साथ साबिक MNA साबिक ज़िला नाज़म चौधरी फ़र्क़ अल्ताफ़ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहले आज की तकरीब के हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, आज की तकरीब हमारे तीन हवाले बनते हैं। एक कायद बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना का यौम पैदाइश है, दूसरा कायद पाकिस्तान और हमारी जमात के हमारे सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी आज यौम पैदाइश है, और तीसरा हमारी मसीह बरादरी और पूरी दुनिया जान के अंदर क्रिसमस का दिन है। तो मैं समझता हूँ इन तीनों हवालों से ये बड़ा अहम दिन है, और हम सबको एक बहसीत पाकिस्तानी भी इस तकरीब को एक ख़ास तरीके से मनाना चाहिए, और मैं शहीन डार साहब का मशहूर हूँ कि इन्होंने हमेशा सारे दोस्तों को इकट्ठा करके आज के दिन की जो तकरीब है इसको चांद चांद लगाते हैं। जो सब इंतहाबी मुहिम के हवाले से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के लिए काफ़ी आसानियां पैदा की जा रही हैं, जबकि PTI के मकामी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, यहाँ तक गिरफ्तारियों के तल्लक है, मेरे नोटिस में तो ऐसी बात नहीं है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करे तो फिर वो तो ज़ाहिर है उसमें तो किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती किसी भी जमात के साथ उसका तल्लक हो। अपनी इंतहाबी मुहिम के हवाले से कितने मुतमिन है? देखिए जी, हमारा तो अल्लाह ताला का फजल व करम है कि अपने इलाके के अवाम से तमाम लोगों दोस्तों के साथ हम तो जुड़े हुए हैं। हमारे लिए मुहिम तो तब हो कि हम कहीं बाहर से आके इसे शुरू करें, हम तो 12 महीने यहीं मौजूद होते हैं। मुस्लिम लीग नून काफ़ी दड़ों में तकसीम नज़र आती है, क्या कहते हैं? देखिए जी, ये जितनी बड़ी जमात होती है, आप ख़ानदान देख लें, वहाँ भी कभी छोटे मोटे इख्तलाफ सब में होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मरहले फाइनल हो जाएंगे तो फिर सब एक कुबत बन कर सामने आएंगे। गरमाला खानदान आपके नीचे आएगा या मतलब मुकाबल? ये सवाल तो आप उनसे पूछें। आप ही क्या राय है? मुझे देखे ना, मैं तो अपनी जात के मतलब जवाब दे सकता हूँ, जो उनका सवाल आप कर रहे हैं वो तो उनसे पूछें। आपने नीचे MPM का उम्मीदवार किसे देखते हैं? देखे, ये एक मेरे अकेले का नहीं है, ये एक जमात का फैसला है। हमारे जितने भी दोस्त हैं वो सब मज़ज़ लोग हैं, सब ने अपना अपना हर का एक का जमहूरी हक है, वो अपना नाम पेश कर सकता है, इलेक्शन लड़ सकता है। बाकी जमात का फैसला, जो क़यादत फैसला करेगी सबके लिए काबिले कबूल होगा। वेल डन। आपके जो NA-61 के सपोर्टर हैं वो देख रहे हैं कि चौधरी फ़र्क़ अल्ताफ़ साहब हमारे हल्के में आ जाए, आपने वहाँ पर कागजात भी जमा करवाए हैं। देखिए जी, ये मैंने जैसे पहले गुजारिश किया, ये तो जमात का फैसला है, जमात जहाँ भी कहेगी, जहाँ भी उनका फैसला होगा कि इस हल्के से लड़ना या वहाँ, उसके लिए हम तैयार हैं। आप जिताना साहब और मतलूब मेहंदी साहब दोनों NA-61 के उम्मीदवार हैं, जिताना साहब तो आपके साथ होंगे लेकिन मतलूब मेहंदी साहब भी आपके साथ देंगे? ये तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, ये सवाल तो उनके मतलब आप उनसे पूछे ना, मेरा तो उसके जवाब नहीं बनता कि वो मेरा साथ दें या ना दें, उनके मतलब सवाल है, उसका जवाब वो बेहतर दे सकते हैं। मतलूब मेहंदी साहब के मतलब सवाल है जी, वो जवाब बेहतर दे सकते हैं। आइंदा किसी नए मौजूद के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।